नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो मैं आज आपके लिए लेके आ गया हूँ टाटा की 4225। तो मैं आज आपको इसका फुल रिव्यू करवाने वाला हूँ, किस प्रकार से हमने इस गाड़ी का काम किया है, कौन सा मटेरियल लगा है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में फुल वीडियो में दिखाने वाला हूँ। चलो जल्द से वीडियो करते हैं स्टार्ट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को कर लो सब्सक्राइब। चलो वीडियो करते हैं जल्द से स्टार्ट। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आ गया हूँ टाटा की 4225। तो मैं आज आपको इसका फुल रिव्यू करवाने वाला हूं। सबसे पहले फ्रंट की बात कर ले तो फुल स्टील का जो है फ्रंट बना है। आपको साइड में हैंडमेड सैंडल जो है देखने को मिल जाएंगे, और ऊपर की तरफ आपको जो है लट्टू के साथ जो है बोर्ड देखने को मिल जाएगा, और सेंटर में जो है आपको दो इलेफेक्टर देखने को मिल जाएंगे। वाटर जैक के साथ जो है इसका वेपर का जो है काम किया गया है। और नीचे की बात करें तो आपको इसमें डबल हेड लाइट्स मिल जाएगी, और उसके नीचे देख सकते हो जो हैवी डंडे पे जो है यारी सोना सरदारी प्योना इसका आपको मार्का मिल जाएगा। और खंडे की बात करें तो पूरे हैवी तरीके से जो है खंडा लगाया गया है। और साइज गाड़ी के साइड की बात करें तो बहुत ही अच्छे तरीके से जो है गाड़ी का काम किया गया है। साइड प्रोफाइल चेक कर सकते हो बहुत ही हैवी तरीके से, और फुल डेकोरेशन के साथ जो है इसका काम किया गया है। पूरे हैवी तरीके से जो है इस गाड़ी का काम हुआ है। आपको इसमें जो है जेड का देखने को डिज़ाइन मिल जाएगा, जहाँ पे आपको मिरर देखने को मिल जाएगा, और ऊपर की तरफ देख सकते हो आपको सीढ़ी भी चढ़ने के लिए मिल जाएगी, और बॉडी और चलते हैं आपको और आपको बॉडी की तरफ दिखाता हूँ। बहुत ही अच्छे और हैवी तरीके से जो है बॉडी का काम किया गया है। बहुत ही हाई क्वालिटी का जो है इसमें जो है मटेरियल लगा है। तो सबसे पहले बात बॉडी की बात करें तो बहुत ही अच्छे और हैवी तरीके से जो है बॉडी का काम किया गया है। सबसे पहले बात कर ले बॉडी और कैबिन के ज्वाइंट की, तो जहाँ पर आपको जो है जू क्लैंपिंग देखने को मिल जाएगी, जू क्लैंपिंग के साथ जो है बॉडी और कैबिन का जो है ज्वाइंट का काम किया गया है। हैवी तरीके बहुत ही हैवी एंगल के साथ आपको जो है सीढ़ी मिल जाएगी, बहुत ही हैवी एंगल की आपको सीढ़ी मिल जाएगी। और सभी व्हील्स में जो है मर्ज फ्लैप लगाए गए हैं। और नीचे की बात करें तो आपको सभी जो है बत्तों में जो बात करें तो सभी एडियो में आपको जो है रकाब्स का काम मिल जाएगा यहाँ पे। और आगे की तरफ आपको जो है यूक और काब्स का काम देखने को मिल जाएगा। हमारे कारीगर जो हैं आपके सामने लग रहे हैं। और कैब बॉडी की बात करें तो बहुत ही अच्छे और खूबसूरत तरीके से जो है बॉडी का काम, बॉडी की पेंटिंग और रेडियम का काम देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से जो है बॉडी का काम किया गया है। एडब्ल्यू टैंक की सेफ्टी के लिए आपको जो है जाला मिल जाएगा। और बैक की बात करें तो आपको जो है बैक का व्यू करवा रहा हूँ, यहाँ पे आपको जो है पंजाब का जो है नक्शा देखने को मिल जाएगा। बहुत ही हैवी डाला मिल जाएगा 2 इंची एंगल फ्रेम के साथ। नीचे की जाली चेक कर सकते हो, बहुत ही अच्छे और हैवी तरीके से जो है जाली और डाले का काम किया गया है। 2 इंची एंगल के साथ जो है जो ये डाला बनाया गया है। आपको इसमें 3 जगह डबलिंग का काम देखने को मिल जाएगा, साइड प्रोफाइल में, सेंटर में, और साइड में जो है आपको इनका काम मिल जाएगा। और बात करें तो बहुत ही हैवी तरीके से जो है इस गाड़ी का काम हुआ है। और पीछे की बात करें तो बहुत हैवी जो है पीछे की डो बनाई गई है क्रॉस के साथ, और 3 एंगल्स के साथ जो चैनल के साथ जो है डो तैयार की गई है। और बॉडी के फर्श और बॉडी की बात करें तो बहुत ही हैवी तरीके से जो है गाड़ी बनाई गई है। साइड प्रोफाइल की बात करें तो आपको यहाँ पे टूल बक्सा देखने को मिल जाएगा, और ऊपर देख सकते हो हैवी हुक्स देखने को मिल जाएगी। बत्ते खोलने के लिए सभी बत्तों पे जो है सहारा मिल जाएगा, सहारे के लिए जो एंगल मिल जाएगा। और जहाँ पे आपको डीजल टैंक की सेफ्टी के लिए जो है जाला मिल जाएगा, बहुत ही हैवी तरीके से जो है जो ये जाला बनाया गया है, जो ढक्कन की सेफ्टी के लिए आपको जो जहाँ पे विजिबिलिटी मिल जाएगी। बहुत ही अच्छे तरीके से जो है गाड़ी का काम किया गया है। और कैबिन की बात करें तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है कैबिन के अंदर का काम किया गया है। तो आपको कैबिन के अंदर का रिव्यू दिखाने वाला हूँ। बहुत ही अच्छे और टीक वुड प्लाई के साथ जो है कैबिन का काम किया गया है। अंदर की बात करें तो बहुत ही अच्छे और डेकोरेशन के साथ जो है कैबिन का काम किया गया है।
आप सीट्स चेक कर सकते हो, जहाँ पे सबसे पहले कितने अच्छे तरीके से जो है सीट्स का काम किया गया है। पीछे में टीक वुड प्लाई कैबिन जो है आपको देखने को मिल जाएगा, बहुत ही फुल डेकोरेशन के साथ जो है ये कैबिन तैयार किया गया है। सामने देखने को आप सबसे पहले इस गाड़ी में जो है आपको सिग्ना मॉडल का स्टेयरिंग मिल जाएगा, यहाँ पे आपको रेड ग्रास की वेजिंग मिल जाएगी, और यहाँ पे जो है मैग्नेटिक स्पॉक्स मिल जाएंगे, एलईडी के बक्से के लिए आपको जो यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगी, और ऊपर बाबा जी का मंदिर मिल जाएगा, और सामने सनवाइजर की जगह आपको जो है मिरर मिल जाएंगे देखने को, जहाँ पे झालर का डिजाइन देख सकते हो, बहुत ही अच्छे और खूबसूरत तरीके से जो है इसका काम किया गया है। साइड की बात करें तो यहाँ पे खिड़की की सेफ्टी के लिए आपको जो है रेलवे लॉक्स, इंस्पेक्टर लॉक्स, और नीचे जो है चिटकनी देखने को मिल जाएगी, और इसकी बहुत ही अच्छे तरीके से जो है अंदर कैबिन का काम हुआ है। यहाँ पे सभी शीशों पे जो है आपको पर्दे देखने को मिल जाएंगे, ग्लास रखने का आपको वहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। नीचे आप अगर कोई बाइक वाला जा रहा है तो आपको वहाँ पे देखने के लिए ऑप्शन मिल जाएगी। और बैग की बात करें तो बहुत ही है अच्छे तरीके से जो है गाड़ी के बैग का काम किया गया है। अगर आपको ये गाड़ी अच्छी लगी, हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं हम आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।